अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन के अंदर मैं आपको कुछ मजीद डिटेल्स बताने जा रहा हूँ स्टेयर्स के बारे में। स्टेयर्स हमारे पास डिफरेंट स्टाइल से और कैसे बनाई जाएंगी। अभी तक मैंने आपको दो स्टाइल्स बताए हैं, इस लेसन के अंदर मैं कोशिश करूंगा लगभग आपको दो तीन स्टाइल और बता के इसके बाद नेक्स्ट लेसन को मैं स्टार्ट करूंगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। अपने पास ऑटो कैट को ओपन कर लें। मैंने ऑलरेडी अपने पास ऑटो कैट ओपन किया हुआ है। जस्ट यूनिट सेटअप करना, यूनिट्स देखें, इंजीनियरिंग फिट्स अरेंज, ओके। डी एंटर करें डायमेंशन के लिए, और मॉडिफाइड के ऊपर आने के बाद इसको भी प्राइमरी यूनिट्स को इंजीनियरिंग फिट्स अरेंज, ओके, और इसे आप क्लोज कर दें। आपके पास ये शेप बन चुकी है, ठीक है। अब आए स्टेयर्स के मुख्तलिफ डिजाइन बनाते हैं। याद रखिएगा, अभी तक मैंने आपको राउंड स्टेयर्स बनाना बताई थी, और एक मैप के अंदर मेरे पास कुछ हद तक आर्क शेप आ रही थी स्टेयर्स, वो मैंने आपको बनाना बताई थी। अब नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, अगर मेरे पास एक बिल्कुल सीधी स्टेयर्स है, वो तो चले बिल्कुल सीधा सा आपके पास लाइनें होगी उसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर अगर कुछ मॉडिफाइड है, जैसे मैं बनाना शुरू कर लेता हूँ, मैंने आउटफिट्स की तरह एक लाइन लगा दी, और अगेन इस तरफ मैं आउटफिट चला जाता हूँ, ठीक है, और मैं इसे आउटसाइड दे देता हूँ। मेरे पास स्टेयर का जो बीच वाला हिस्सा है वो है 4 फिट्स है और 4 फिट्स है, ठीक है। मैं इन्हें मजीद नीचे की तरफ ले आता हूँ, मैं इसे आउटसाइड दे देता हूँ। आगे मुझे यहाँ पे 10 फिट्स तक चाहिए, और ऊपर मुझे आउटसाइड चाहिए 8 फिट्स तक चाहिए। लगभग ये मैंने उठा लिया, मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि मेरे पास एक स्टाइल ये हो सकता है स्टेयर्स के लिए। अब ये कैसा स्टाइल है, क्या कुछ है इसके अंदर, साथ साथ कंट्रोलाइज कीजिए अपने काम को। मैं इसे ऑफसेट देता हूँ, यहाँ पे मैं इसे ऑफसेट दूंगा, मैंने इसको ऑफसेट दे दिया, 1 फिट्स का ऑफसेट दे देता हूँ, 1 2 3। यानी कि अब अपने पास यहाँ पे ये स्टेयर्स के लिए आप इधर ये डिजाइन बना डाले, ठीक है। और अगेन यहां से मैं आगे की तरफ जाना चाहूंगा, अगेन मैंने यहां पर एक लाइन लगा दी, ऑफसेट दे दिया 1 फिट्स का ही, इसको मैं अब आगे की तरफ लेकर जाऊंगा। तो देखिए मेरे पास ये भी आगे तरफ निकल कर आ चुका है, ठीक है। अब अगर आप मजीद यहाँ पे कुछ स्टेयर्स बनाना चाहते हैं, इस जगह पे मैं एक बनाना चाह रहा हूँ, देखिए ये मैं इसके अंदर मजीद बनाना चाह रहा था, लेकिन अगर आप इसके अंदर और बनाना चाह रहे हैं तो आप इस एरिया का सेंटर पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे, उस तरह से यहाँ पे ले रहे हैं, आपके पास और स्टेयर्स बन जाएंगे, लेकिन मैं ये लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसको बाउंड्री लगा दें इधर, मैंने पिक पिक पॉइंट दे दिया बाउंड्री के अंदर, और ये काम तमाम लेयर्स के अंदर होना चाहिए। इन सबको आप सिलेक्ट कर दें, एंटर कर दें, EXT एक्सट्रूड की ऑप्शन के अंदर चले जाएं आप, एक्सट्रूड EXT, तो आम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दें, एंटर, और इनको हाइट में 7 इंच की दे देता हूँ। मेरे पास 7 इंच की हाइट आ चुकी है, मैं 3D शेड के अंदर चला गया, देखिए मेरे पास ये शेप आ रही है, इधर आ जाएं। अब देखिए आपके पास आगे एक जैसी है, ठीक है, कितनी है, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जेक्ट एक जैसे आ रहे हैं, तो आप इधर मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। देखें इसको मैं इसके ऊपर मूव कर सकता हूँ, इसको मैं इसके ऊपर मूव कर सकता हूँ। अगर आप मूव नहीं करना चाहते तो आप कॉपी कर सकते हैं, आप कॉपी के ऑप्शन यूज करें, 3 4 5 6 7 8, और देखिए 9 तक मैं आ चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद आप इसको मूव कर देंगे, आपका ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा सीधा, ये आ गया। इसके बाद आप फिर इसको मूव कर दें, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर आ जाए, देखिए अब आपके पास ये आ चुका है, अपने आप को मूव कर दें। जैसे मैंने मूव किया, शेड लगा लें, देखिए आपके पास ये शेप बन रही है, इस तरह से मैंने इसको भी ऊपर इसके लाना है, तो आप इसको मूव कर दें यहां से, मैंने इसको मूव किया इसके ऊपर। अगर कॉपी करना चाहते हैं CO कॉपी कर लें, जस्ट आपको कंफर्म होना चाहिए आपके पास स्टेप्स कितने आ गए। लेट्स से हमारे पास 5 स्टेप्स और हैं, मैं इधर गया, मैंने कॉपी की ऑप्शन लगा दी, इसको मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, 1 2 3 4, और ये 5, क्योंकि आपके पास डायरेक्शन एक जैसी है। जब आपके पास डायरेक्शन वगैरह एक जैसी होगी, आपके पास पॉइंट टू पॉइंट एक जैसे होंगे, तो फिर आप इसे कॉपी का फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन जैसे मैंने राउंड स्टेयर्स की थी या उससे पहले आर्क शेप वाली की थी, तो वहां पर आप कॉपी के थ्रू ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो हमारे पास ये स्टेयर्स होती है, इस तरह से एक और स्टेयर मेरे पास निकल कर आती है, एक और मेरे पास स्लीप बनकर आती है, वो कौन सी है, सेम टू सेम यही डिजाइन है, मैं इसी डिजाइन को कॉपी कर लेता हूँ, मैंने इसको कॉपी ले ली इसकी कुछ, और मैं इसे उठाकर इधर ले आता हूँ, बल्कि आगे तरफ ले जाता हूँ, यहाँ पे इसको इस तरफ लेके चला जाता हूँ,
और ये जो 3D शेप है डेफिनेटली इन्हें आपको डिलीट करना होगा। मैंने इसको डिलीट कर दिया है, देखिए मेरे पास ये शेप बनी आ गई। ठीक है, अब यहां पे आप इसको ऐसा करें, आप इस एरिया को आप डिलीट कर दें, क्योंकि हमारे इस डिजाइन के अंदर ये जो एरिया है मेरे पास, ये डिलीट होना होगा, मस्ट होगा। ठीक है, तो यहां से मैं इस डिजाइन को कॉपी की ऑप्शन देता हूं, तकरीबन यहां पे मैं इसको 1 फिट्स का गैप देता हूँ इसके अंदर बीच में। लाजमी नहीं आपके पास ये 1 फिट्स हो, ये आपके पास इससे कम भी हो सकता है। और इस 1 फिट्स के बाद आपको 4 फिट्स का एरिया दे दें जो आप बेसिकली लेकर आए हुए हो। मेरे पास ये देखें 4 फिट्स फिट के जगह पर आ रहा है। ठीक है, तो मैं ट्रिम कर देता हूँ, ये लाइन ट्रिम है, ये ट्रिम है, ये मेरे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अब आप ये लाइन जो है इसको आप खत्म कर दें, देखें इसको बदल लें, और यहां पर जस्ट एक लाइन लगा लें। ये मैंने एक लाइन लगा दी है, इसको आप ऑफसेट दे दें मजीद 1 का आगे की जानब, क्योंकि आपके पास तरह की मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं स्टेयर्स के। ठीक है, और इसको मैं एक्सटेंड करवा देता हूँ इसके साथ। ठीक है, और इसको मैं इसके साथ, और ये ट्रिम, ये एक और मेरे पास डिजाइन बना हुआ आ गया। बाउंड्री लगा दें डियर स्टूडेंट्स, बी ओ फॉर बाउंड्री, 1 2 3 4। एंटर कर दे तो देखिए मेरे पास ये आ गया है। ईएक्सटी कर दें इसे भी, सिलेक्शन दें, 7 इंच की हाइट दे दें इसे। अब देखिए ये भी आपके पास 7 इंच की हाइट पर आ चुका है। अगेन इसका वही मेथड होगा, आप नीचे वाले को स्केपर कर देंगे, इस तरह हर ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर लेकर आते जाए। इसको मैं स्केपर लेकर आ गया, मूव मूव, फिर इसे भी मूव कर देंगे आप, एम शॉर्टकट है मूव की। अब मैं तकरीबन पिछले मोर देन 100 लेसन हमारे तकरीबन हम कलेक्ट करने वाले हैं, तो मैं आपको ये ऑप्शन बार बार बता चुका हूँ, मूव कैसे करना है, ट्रिम कैसे करना है, तो इसलिए इस ऑप्शन के अंदर मैंने आपको डिटेल्स नहीं बताई है मूव कैसे करना है, क्योंकि अब आपको ये चीज़ें खुद कन्फर्म होनी चाहिए कि मूव क्या चीज़ है और कैसे करना है। सिलेक्ट करें, और ये जो मैं पॉइंट्स उठा रहा हूँ ये भी तो अब आपको कन्फर्म होने चाहिए कि मैं कैसे उठा रहा हूँ पॉइंट दें। अब जस्ट आपके सामने मैं इसलिए हर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके बता रहा हूँ, आपको मेथड आना चाहिए ड्रॉ करने का, आपको तरीकेकार आना चाहिए बनाने का, क्या तरीकेकार होता है, क्या मेथड होता है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो एक स्टेप को आपको ले आने मूव करके, ये मैंने इसको रखा, और अगेन इसको भी आप मूव कर दें स्टूडेंट्स। देखें तो ये मेरे पास आए कुछ और स्टेप्स, अब आपके पास कुछ इस तरह की स्टेयर्स होती हैं, कुछ ये स्टेयर्स आपके पास आ चुकी हैं, कंट्रोल एस कर दें साथ साथ, तो इस तरह से आप इसको स्टेयर्स बनाएंगे। इस तरह से रेलिंग जो है वो आप कैसे लगाएंगे, चलिए एक के ऊपर मैं लगा देता हूँ, बहरहाल आपको ये खुद लगानी है। आप एक सर्कल बना लें, यहाँ पे मैं 1 इंच का सर्कल बना लेता हूँ EXT, और मैं इसको 3 फिट्स की हाइट दे देता हूँ। मैं मूव के अंदर जाऊंगा, मैंने इसको मिडिल से पिक किया, और इधर मिडिल पर आ जाए, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा इधर लाएं, और अगेन थोड़ा सा सिर्फ इसी शेप को क्लिक करते हुए आगे ले। देखिए मेरे पास ये आ चुका, अब आप कॉपी करें, CO कॉपी, सेलेक्ट इंटर, ये आपके पास पॉइंट है, और ये पॉइंट क्योंकि ये आपके पास सेम टू सेम वही डायरेक्शन जा रही है ऊपर की तरफ, देखिए तो बस आपको क्लिक्स करना है और कुछ भी नहीं है। कॉपी करने के बाद, पॉइंट्स लाने के बाद, आपको एक क्लिक करने की जरूरत है, तो ये आपने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मुझे आगे की तरफ चाहिए, यहाँ पे ये लॉजिक है, वैसे तो इधर दीवार आएगी आपके पास प्रैक्टिकली, चले मैं कहता हूँ दीवार नहीं है मेरे पास साइडों पे, तो फिर क्या करना है आपको, कैसे स्टेयर्स बनानी है। तो यहाँ पे ये 1 फिट्स का था, मैं 6 इंच के एरिया पे लगा रहा हूँ, तो आप क्या करें, यहाँ से अपडेट को कॉपी करें, इसको आगे कितना लेके जाना आपने, 1 फिट्स आगे लेके जाना। देखिए मैं इसको आगे लेकर गया, और मैंने 12 टाइप किया, तो मेरे पास देखिए ये 12 के एरिया पे आ गए। लेकिन अगर आप 6 के एरिया पे लेकर जाना चाहते हो, CO फिर कॉपी लगाएं, सेलेक्ट इंटर, एक पॉइंट दे दें, आगे लेकर जाएं, 3 6 4 एनी 1। ठीक है, जो आपको एरिया चाहिए वो आप इसको डिफाइन करवा सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर 6 का ले लिया है, मैं कॉपी करूंगा, पॉइंट बना लेता हूं इसका, ये देखें ये जब आप पॉइंट पीछे वाले का बनाएंगे तो देखिए आप पीछे वाले के मिडिल पे क्लिक कर रहे हो, वो खुद बखुद उसको एडजस्टमेंट दे रहा है, ये देखिए इसने खुद बखुद उसको एडजस्टमेंट दे दी यहाँ पे। ठीक है, अब फिर मेरे पास ये आ गया,
मैं इसको दूसरी तरफ लेकर जाना चाह रहा हूं, तो आप क्या करें, इसको मूव कर दें इधर। ये देखिए ये रहा, ये मैं इसको मूव करके इधर आ जाता हूं। ठीक है, अब अगेन आप इसको कॉपी करें, सिलेक्शन दें, माउस को आप इस तरफ लेके जाएं जिस तरफ आपको लेके जाना है, स्कोप 6 का जो एरिया देना चाह रहे हैं आप दे दें इसे। अगेन मैंने इसको कॉपी लगा दी है, सिलेक्शन, मिड पॉइंट आपने ये बनाया 1 2, तो जस्ट आप पीछे वाले के मिडल पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए आपके पास स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट निकलती जाएंगी। मैं हर स्टेप्स के ऊपर आपको अब बना के नहीं दूंगा, ये आपको खुद सीखना होगा। आपको बल्कि सीखने की कोई, तो अब मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रह गया हो जो अब आपको सीखना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें आपके पास ये बिल्कुल ठीक आ रहा है इस तरह से। फिर आप आगे जाना चाह रहे हैं, फिर आप इसे कॉपी कर दें इधर इस तरफ, अपने माउस को लेकर जाएं और जो आप फासला चूज करना चाहें 6 कॉपी करें इसे, सिलेक्शन मिड पॉइंट पीछे वाला बना लें, तो जस्ट आप इधर क्लिक कर देंगे। तो इससे ये होगा, जिधर जिधर आपका पॉइंट आ रहा होगा, जस्ट आपको बस ख्याल जो रखना है अपने पॉइंट से क्लिक कर रखना है। देखिए मेरे पास ये आ गया, अपने अगेन से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने इसको कॉपी किया इस जगह से, मैं इसको इधर मिडिल ऊपर लेकर आ जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको इस तरफ को लेकर चला जाता हूँ। देखिए और इधर से मैंने कंफर्म करना है पीछे की तरफ ही कितना जा रहा है। ठीक है, अगेन आप इसको मूव करें, मैंने इसकी एडजस्टमेंट लगभग बना ली। ठीक है, कॉपी कर ले, ये पॉइंट बनाया आपने और हर इस पॉइंट्स पे क्लिक कर दे। तो ये देखें जी स्टूडेंट्स, मैंने इस तरह से क्लिक्स किया, मेरे पास देखें तमाम तरफ ये एरिया बना हुआ मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाती है हमारी रेलिंग लगाने की। वो हम कैसे लगाएंगे, मैंने बोला था लास्ट वाले लेसन के अंदर, जो पिछला मैंने लेसन लिया था राउंड स्टेयर्स का, मैंने आपको बोला था एक ऐसा पॉइंट उठा ले जहां से आपको सबकी टॉप्स नजर आना चाहिए। देखिए सबके टॉप मुझे नजर आ रहे हैं, स्केप कर दें और अब अपने मॉडिफाइड, अच्छा यहाँ पर मजीद स्टेयर्स ऊपर भी आ रही है, बहरहाल में दसी थी, चलें कॉपी कर लेता हूँ, मैं से इस काम को कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड्रू, फिर मैंने क्लिक कर दिया, इधर क्लिक कर दिया और ये रहा, तो ये मेरे पास मेरे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। ठीक, कंट्रोल एस, और मैं ड्रॉ के अंदर जाऊंगा, 3D पॉलीलाइन का चूज करूंगा, क्लिक टॉप पे क्लिक, तो आप टॉप टॉप से इसे क्लिक करते जाएंगे। याद रखिएगा 3D पॉलीलाइन के बगैर ये काम नहीं किया जा सकता है, तो आपको मस्त 3D पॉलीलाइन का यूज करना होगा। देखें यहाँ पे बिल्कुल सीधे आ रहे हैं पॉइंट्स, आप एंड टू एंड भी निकल सकते हैं, और ये रहा, अब नीचे की तरफ जाना है तो आपने यही पॉइंट्स देने की कोशिश करनी है। पॉइंट्स कोशिश कीजिएगा आपसे कोई भूल ना जाए, नहीं कोई एक पॉइंट गलत लगाने की सिचुएशन में क्या होगा, आपका तमाम काम गलत हो जाएगा। अब आप मॉडिफाइड के अंदर चले, सॉरी अपने इस व्यू के अंदर चले जाएं और देख लें, बिल्कुल परफेक्ट आपके पास ये शेप बनी हुई है। एक मरतबा घुमा कर तसली कर लें, ठीक है, वापस आप इधर आ जाएं, ये आपके पास रहा। अब आपने करना क्या है, एक सर्कल लगा दें इधर 1 इंच का ही, मैंने एक सर्कल लगा दिया मॉडिफाइड 3D ऑपरेशन रोटेट 3D, और मैं इस एरिए पर एक पॉइंट ये है दूसरा ये है, वैल्यू यहाँ पे मैंने इसको दे देनी है 90 की। मैं इसको मूव करूंगा इधर से, मूव करने के बाद मैं इसको ऊपर टॉप की जानब लेकर आ जाता हूँ, ये मैं इधर टॉप के ऊपर लेकर आ। अब EXT कर देते हैं, सिलेक्ट एंटर पी फॉर पाथ, अब देखें तो ये आपके पास एंड तक जा रही है। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसको वापस नीचे लेकर जाना चाहते हो, कॉपी कर लें, शिफ्ट एट द रेट X0 Y0 -18 इंच की वैल्यू आप इसे दे सकते हैं। एट द रेट लिखाना भूल गया था ये, तो देखें आपके पास बिल्कुल ये परफेक्ट वैल्यू निकल कर आपके सामने आ चुकी है। तो ये स्टाइल होता है आपको रेलिंग्स लगाने का, इस तरह से इसके पर रेल्स वगैरह लगाने का। अब चारों तरफ से आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इस चीज को आप बेहतर समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं एक और स्टाइल आपके सामने बनाना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई स्टाइलिश, यानी कि मैंने यहाँ पे एक अपने पास इमेज डाउनलोड की है अभी अभी, अगर आपके पास इस तरह की स्टेयर्स वगैरह आ जाएंगी, तो ये
ये प्रोजेक्ट आपने कैसे करना है, इसको कैसे बनाना है। तो आइए मैं कुछ ट्राई करता हूँ इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। याद रखिएगा हमारे पास ये तो तमाम मैप का हिस्सा होता है, जैसे हमारे पास मैप कलेक्शन एरिया आएगा हमें वैसे बनाना होगा। अब यहाँ पे जो चीज है वो ये है, ये आर्क कैसे बनानी है, और यही आर्क आपको इधर पीछे भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। ये एरिया आगे निकला हुआ है, उसके बाद ये देखिए पीछे से स्टेयर्स आ रही हैं, और ये भी इसके पीछे से स्टेयर्स आ रही हैं। तो इस तमाम एरिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे बनाया जाएगा, अच्छी तरह से इस डिजाइन को देखें, सोचें, समझें। आप इसकी कोशिश करें आपके पास इसकी 2D कॉपी हो जाए आपके माइंड के अंदर। जब आपके पास इसकी 2D माइंड के अंदर आपकी कॉपी हो जाएगी तो आप इजीली इसे बना लेंगे। तो मैंने इसको अच्छी तरह से सोचा, समझा और बनाने की कोशिश करता हूँ। आए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लेसन अगेन, इसी के अंदर ही ऑटोकैड को ओपन कर लेता हूँ मैं। ऑटोकैड मेरे पास आ चुका है अगेन, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। यहाँ से मैं ऐसा कर लेता हूँ, 10 फिट्स का सबसे पहले एरिया ले लेता हूँ अपने पास, जो ऊपर मेरे पास आर्क एरिया था, तो मैं इसको यहाँ पे आर्क बना देता हूँ। तो ये मेरे पास वो आगे निकली हुई आर्क है ऊपर वाली, जो सबसे ऊपर मुझे दिखाई दे रही थी, ठीक है। देन मैं इसको कुछ नीचे तक लाना चाहूंगा, नियर अबाउट में से क्लिक्स कर देता हूँ यहाँ पे 12 फिट्स के एरिया पे, ठीक है। मेरे पास ये 12 का एरिया है, और पीछे की तरफ मैं जो आर्क बनाना चाहूंगा तकरीबन 5 फिट्स के फासले पे मस्ट होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो ऑफसेट ले लें 5 से 6 फिट्स के एरिया का, ये जस्ट मैं कंफर्म करने के लिए, मैंने आर्क का एंड पॉइंट जो है वो कंफर्म करने के लिए। और ये मैंने देखें एक पॉइंट इधर बना देता हूँ थोड़ा सा लाइक दिस, ठीक है। ये मेरे पास आ चुका है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने पास एक मजीद आर्क बना लेता हूँ, बल्कि सबसे पहले मैं इसे ऑफसेट दे देता हूँ यहाँ पे तकरीबन 2 से 4 फिट्स का। तो मैंने इसको ये 4 फिट्स का ऑफसेट इधर एक और दे दिया है, ठीक है। और मैं इधर ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसके एंड पॉइंट के साथ। अब मैं इसको इधर एंड तक कुछ स्टेयर्स बनाना चाहता हूँ। अब ये स्टेयर कैसे बनाई जाएंगी, मैं इसे टॉप व्यू पे जाता हूँ, जरा ये बड़े तवज्जो से देखिएगा, यही इधर पूरा लेसन है यहाँ पे। ऊपर गोल स्टेयर्स कैसे बनाई जाएंगी, तो इसलिए मैं AR एरे का यूज करूंगा, पोलर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने ले लिया, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता हूँ, सबसे पहले मैं इसे कहता हूँ मुझे तकरीबन लगभग 18 स्टेयर्स चाहिए, और मेरे पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट तो हो चुका है। सेंटर पॉइंट जो मेरे पास है वो क्या है, ये देखें, जैसे मैं दिलाता हूँ तो मेरे पास से कुछ प्लस नजर आते हैं मुझे, ठीक है। तो मुझे ये जो प्लस है, यानी कि इस आर्क का सेंटर पॉइंट आपने ले लेना है। आप प्रीव्यू करें तो ये तो उसको 360 के एरिया पे लेकर आएगा मॉडिफाइड, लेकिन मुझे 90 के एरिया तक जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे आप 90 लगाएं। अब देखें ये नीचे की तरफ लेकर जा रहा है मॉडिफाइड, आप इसको -90 दे देंगे। आप प्रीव्यू करें तो देखिए ये आगे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपके पास यही स्टेयर्स आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं अगर आप इसको कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये 90 तक तो नहीं जा रहा, ये कम फासले पे यहाँ तक जा रहा है, बहरहाल जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर जाकर आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है। मैं इसको इस जगह पर एक्सेप्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये मैं तो जस्ट एक आपको लॉजिक बता रहा था बनाने का क्या मेथड होगा, तो मैं ये इधर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ट्रिम, और यहाँ से मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ। अब ये शेप मुझे अगेन उस तरफ भी चाहिए, तो इसी को मैं मिरर शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये मिरर में भी कन्वर्ट होकर आ चुका है, मुझे ये शेप इधर डिलीट कर दें एस। और यहां से क्योंकि यहां पर भी मेरे पास आर्क बनी हुई थी, तो अगेन मैं यहां पर तकरीबन 8 फिट्स की ही लाइन ले लेता हूँ, और यहां पर भी आप तकरीबन 8 फिट्स की ही लाइन उठा लें, मैंने ये उठा ली है। और इसी तरह से मैं यहां पे इसके लिए भी आर्क बना लेता हूँ, मैं एक लाइन इधर लगा लेता हूँ, ठीक है। मैं सीरी को बनाता हूँ, मैं 3 3 फिट्स, यानी कि 3 इधर और 3 इधर के फासले पे मैं एक आर्क लेना चाहूंगा, एक क्लिक, दूसरा क्लिक, और ये तीसरा क्लिक रहा, ये देखें। क्योंकि मेरे पास दो आर्क बनी हुई थी दाएं बाएं, तो मैंने दोनों तरफ लेफ्ट राइट आर्क ले ली है। अगेन मैं इसको MI मिरर सिलेक्ट, ये रहा, आर्क को मिरर कर नहीं पाया। अब लाजमी है जी स्टूडेंट्स 100% वही डिजाइन बन रहा हो, जस्ट मैं आपको एक मेथड बता रहा था, अगर आपको बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे। ये आपका पीछे का एरिया है जहाँ से आप अपने रूम्स के अंदर एंट्री करेंगे, गैलरी से कह सकते हैं, और यहाँ पे भी स्टेयर बनेंगे एक, ये रहा वो स्टेप्स, ठीक है। अब आप इसको इस सब्जेक्ट पे ले जाएं तो ये है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा हमें इसके साथ रेलिंग भी लगानी है,
अब रेलिंग लगाने के लिए अभी से अगर आप काम कर लें तो बेहतर है, बाद में आपको प्रॉब्लम फेस आएंगी। तो आइए अभी इसी स्टेप उठा लेते हैं। ऑफिस में इधर आ जाता हूँ टॉप के अंदर। अब रेलिंग के लिए मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास 1 2 दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऑफसेट दे देता हूँ, मुझे तकरीबन 3 इंच इधर से आना है, 3 इंच इधर से आना है, हो गया, परफेक्ट है। अब अपने पास आप एक बॉक्स बना डालें, मैंने 1 इंच का बना दिया, और मैं अब 3D के अंदर चला जाता हूँ। कंट्रोल एस, यहां पर आ जाएंगे, EXT कर दें से आप, और इसको भी आप 3 फिट्स की हाइट दे दें। ये चीजें आपको पहले से सोच के आगे निकलना पड़ेंगी। मैं इसको जैसे मूव करके इधर ले आता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ इस शेप को, क्योंकि जस्ट मुझे ये लाइन चाहिए थी बेसिकली एक ही। अब मैं इसे मूव कर दूंगा इसका सेंटर पॉइंट लेने के लिए, ठीक है। ये मैंने इसको सेंटर ले लिया है। अब आप पहले यहां से ट्राई करें, क्या इसका सेंटर और इसका सेंटर ठीक आ रहा है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है, तो उस फर्क को खत्म कर दें। मूव करें इसको, और सीधा मैंने इसको इधर लाके क्लिक कर दिया, तो मेरे पास ये शेप आ गई, परफेक्ट, नाइस वन, मुझे ये लुक चाहिए थी, ठीक है। तो ये मैंने ले ली है, कंट्रोल एस। अब आप अपने पास एरे का यूज करेंगे, AR एरे, मैंने इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया है, मैंने इस पॉइंट को पहले ले लिया, और फिर मैं इधर आ जाता हूँ, वापस मैं सेंटर पॉइंट के ऊपर आ जाता हूँ, मेरे पास ये सेंटर है, इस चीज़ का मुझे सेंटर चाहिए, ये मैंने सेंटर उठा लिया, ठीक है। अब प्रीव्यू करें, जैसे मैंने इसको प्रीव्यू किया, देखिए यहाँ बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, एक्सेप्ट कर दें। जो एक्स्ट्रा लाइन निकली है बाहर, जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स निकले हैं, क्योंकि वो तो आपको मालूम होगा, हमने इस काउंटर के हिसाब से होता है, जितना आपके पास काउंटर बनेगा उतना निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगेन AR array, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दें, एंटर कर दें, सेंटर पॉइंट आपसे पूछ रहा है, अगेन आप इधर आ जाएं। अब देखें ये मैंने सेंटर पॉइंट देना है इस ऑब्जेक्ट का, और प्रीव्यू कर लें, अगेन एक्सेप्ट करते हैं इसे। एक्सेप्ट के बाद जो यहाँ से लाइनें जो बाहर निकल रही हैं, इन लाइनों को आप इधर से डिलीट कर सकते हैं। देखें ये मैंने लाइनें तमाम डिलीट कर दी हैं, ठीक है। अब आपके पास ये व्यू है, आप इसको चेंज करें तो ये रहा आपके पास व्यू, ठीक है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो बाउंड्री बी फॉर बाउंड्री लगा दें से, 1 2 3 4 5 6 7, तो जितने भी ये लाइनें बनती हैं इन सबको आप बाउंड्री में कन्वर्ट कर दें। कंट्रोल एस, EXT लगा देंगे इन सबको, आप सिलेक्शन दे दें, हाइट दे देने, और जस्ट 7 इंच की आप इनको हाइट दे दें, ठीक है। अब मसला ये रहा आपकी स्टेयर्स की, जो है वो भी, ये जो आपने रेलिंग लगा रहे हैं इसको भी 7 इंच हाइट पे होना चाहिए ना, तो इसके लिए फिर आपने क्या करना है, अब 1 बाय 1 इन ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर दें, मूव लगा दें पहले M, और ये थोड़ा सा लेंथी काम है। हाँ, यहाँ पे आप अगर अच्छी तरह से सोच समझ के काम करें तो आपकी ये स्टेप्स भी बच जाएंगे, ये नहीं कि आपको ये स्टेप भी नहीं उठाने पड़ेंगे। मैं कुछ कोशिश करता हूँ कुछ शॉर्ट काम करने की, ठीक है। मेरे पास ये आ गया, मैं अब मूव कर दूंगा, मैंने लेफ्ट से सिलेक्शन दी थी, और मैं इसको यहाँ से ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आप लेफ्ट साइड से भी आ सकते हैं, लेकिन देखा यहाँ पे आपके पास ये प्रॉब्लम है, तो सॉरी वही स्टेप्स उठाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि मैं इसके ऊपर इतनी थिंकिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट पॉइंट्स देते जाएं। तो एक एक को क्लिक कर रहा हूं मैं, देखें ये मैंने एक एक को क्लिक किया, एंटर कर देता हूं। अब एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट इधर टॉप पे रहा, तो मैंने सबको एक पॉइंट से दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब आप मूव करें, 1 2, ये आपके पास तीनों ऑब्जेक्ट आपके मूव होने चाहिए, सॉरी आगे वाले, एक क्लिक दूसरा क्लिक ये रहा, दूसरा क्लिक आपका ये रहा, एक्स्ट्रा चीजें जो है वो आपने मूव नहीं करनी है, ठीक है। ये रहा, इसे आप उठाएं, उठाकर इसके ऊपर ले,
ये बीच में कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स मुझसे बन गए थे बाद में, फिर मूव किया इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को उठा के मैं इसको ऊपर ले आया हूँ। जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आपसे कोई बन चुका है उसे डिलीट कर दें, कंट्रोल एस। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास थोड़ा सा लेंथी काम तो ज़रूर है, लेकिन जब आप किसी के लिए 3D की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने जाते हो तो आपको ये तमाम स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। यानी कि आपको मुश्किल काम भी करना होता है बाज़ुकात और इजी काम भी करना होता है, लेकिन मेरा अगर ये फ़र्ज़ था आपके सामने जो चीज़ मुश्किल है उसके जितने भी पॉइंट्स जो मेरी समझ में थे मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा मैंने आपको कहा अब लाजमी नहीं है जो चीज़ आपको मैं बताऊं उसको वैसे ही किया जाए, नहीं, हर एक बंदे का काम करने का मेथड अलग है, तरीकेकार अलग है, ठीक है? तो हर एक बंदा दूसरे बंदे से बेहतर काम कर सकता है। कंट्रोल एस कर ले, मूव कर दें अपने आप को। मूव किया मैंने, मेरे पास ये रहा, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट मुझसे क्रिएट हो गए थे, मैंने डिलीट कर रहा हूँ साथ साथ में, मेरे पास ये आ गया। अगेन मैं से मूव कर दूंगा, ये मेरे पास इधर, सॉरी, सबसे पहले क्लिक, देन क्लिक, देन क्लिक और मूव, ये रहा, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को छोड़ दें, क्लिक क्लिक क्लिक, मूव, ये रहा, 1 2 3 4, ये रहा, ठीक है। फिर स्पेस लगा दें, 1, ये है 2 3, एंटर, ये लगे, ये आप आ जाए, 1 2 3, मैंने इसको जैसे पिक किया और ये मेरे पास इधर बना हुआ आ गया, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। साथ में कंट्रोल एस करना कभी भी ना भूलिएगा, बिजली किसी भी टाइम पे जा सकती है, खासकर जिधर हम हैं। कंट्रोल एस, वी ओ फॉर बाउंड्री, पिक, इधर आ जाए। अब एक और आपने ये बना लिया, इसको भी आप 1 सी लगा दें यहाँ से, और इसको भी आप 7 इंच की हाइट दे दें, क्योंकि ये भी आपके पास एक स्टेप ही समझा जाता है, ये मैंने इसके अंदर बना डाला, ठीक है। अब ये जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट रह गया है इसको भी आप बाउंड्री लगा दें, और इसको मैंने बाउंड्री लगा दी है, ये 1 सी कर दें, इसको भी एक स्टेप ही समझा जाएगा, इसको भी मैं 7 इंच की हाइट दे देता हूँ और मैं इसे मूव कर दूंगा। कैसे मूव करूंगा, इसके मिडल से उठाऊंगा ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इधर मिडल पॉइंट पे। अगर आपको ठीक तरह से मिडल दिखाई नहीं दे रहा, जैसे मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैंने उसको मूव किया, अगेन मैंने इसको नीचे वाला पिक पॉइंट किया और ये रहा ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। तो मैंने उसको कुछ पॉइंट्स दे दिए, आई थिंक ये बिल्कुल आगे पीछे मिल चुके हैं एक जगह पे। अगेन मैं इसको यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो देखें अब मेरे पास ये मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स बने आ गए। अब तकरीबन कुछ लगभग हम इधर से इस तरफ लेकर गए हैं, देखिए यहाँ से इस तरफ लेकर आ रहे हैं, फिर आपके पास आगे ये आर्क एरिया बना हुआ है क्योंकि मैंने तो रफ काम किया है, ये आपके पास आर्क एरिया बना हुआ आ गया। अगेन आपके पास यहाँ पर, और ये देखिए ये है आपके पास यहाँ पर, ये आप इसके नीचे आप पिलर्स वगैरह अगर आप बनाना चाहें, जरूरत नहीं है बनाने की क्योंकि मेरा मकसद जस्ट आपको एक बताने का था आपने कैसे काम करना है, लेकिन लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। चले हमारे पास ये एक पिलर है, ये रहा, ये 1 सी में कर देता हूँ इसे, अब तो मुझे कंफर्म नहीं है क्या हाइट आ रही होगी हमारी, 10 फुट 6 इंच की में से हाइट देता हूँ। तो देखिए ये इस तरह से हमारे पास ये पिलर इधर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो बगैर किसी डाइमेंशंस के काम किया है ये ले, और इसको आप अगर मिरर कर दें यहाँ से भी तो दोनों तरफ आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि इसके ऊपर भी स्टेयर्स बनेंगी, इधर भी आ जाएगा, जिधर भी आप बना, वो अलहदा इशू है, वो अलहदा चीज़ है। तो ये रहा, अच्छा आप इसको इस तरफ कैसे लाना है ये मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। आप इसको मिरर के ऑप्शन लगा दें, ये देखिए मिरर, मैं यहाँ से तमाम ऑब्जेक्ट्स को मिरर लगा कर सिलेक्शन दे देता हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ना हुआ हो तो वो मिरर नहीं होगा सिंपली। इसका जस्ट मिडल उठाए और इधर आके क्लिक कर दें, तो देखिए आपके पास दोनों तरफ से ये स्टेयर्स भी बनी आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास मुख्तलिफ किस्म की स्टेयर्स आ जाएं उनको आपने कैसे बनाना होगा, तो मेरा सबसे जो मेन मकसद था वो था आपको बताना, ये था आपको बताना कि आपके पास डिफरेंट स्टेयर्स कैसे बनाई जाती है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेसन को,
ये लेसन टाइमिंग के लिहाज से आई थिंक के सबसे बड़ा लेसन हो गया होगा, या कुछ लगभग आगे पीछे छोटा बड़ा तो हो ही गया होगा। बहरहाल मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्स आपको फ्री ऑनलाइन कराए जाते हैं। एड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स, अगर आप इस कोर्स की मुकम्मल DVDs हासिल करना चाहते हैं, या आप हमारी मैप कलेक्शन CDs लेना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारे इन ईमेल्स और ये मोबाइल नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल के लिए हमारा मेल है xpacademy@ymail.com, हमारा स्काइप का ID है xpacademy, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 03439017779। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मैं हाजिर होता हूँ मजीद मालूमात डिटेल के साथ, मजीद लेसन के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।